हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 10th of June 2021। तो 10 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे कंप्लीट एंड इसके साथ ही दूसरी न्यूज़ आइटम्स जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा हमने CSAT कोर्स, प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज कोर्स एंड डेली नोट्स का कोर्स रिलीज़ किया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहले आज का सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 अभी रिसेंटली किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड बैंक, बी UN हैबिटेट, सी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या डी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू फेमस केसेस इन इंडिया आर करेक्टली मैच। अब यहाँ पे केस लिखा हुआ है और उसका जजमेंट लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट इज AK गोपालन केस, प्रिवेंटिव डिटेंशन। सेकेंड इज गोलकनाथ केस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज केशवानंद भारती केस, अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। या डी केदारनाथ सिंह केस, वैलिडिटी ऑफ द सेडिशन लॉ। तो आपको बताना है इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा, ये फेमस केसेस हैं तो ये करेक्टली कौन से मैच्ड है। ऑप्शंस आर 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 4 या 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर थ्री इज त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स इनमें से कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शंस आर ए कर्नाटका, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। तो दीज आर द थ्री प्रिलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस फॉर यू जिनके आंसर्स आपको करने। आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Now, today's main question of the day is Indian judiciary is facing a major problem of pending cases. मतलब pendency of cases जो है एक major problem है Indian courts में. What can be done in order to minimize this pendency and expedite the judicial process? क्या किया जा सकता है कि ये जो pendency of cases है इसको कम से कम हो जाए और जो judicial process है वो थोड़ा expedite या तेज हो जाए। So this is the main question of the day. Judicial reforms के ऊपर है basically, एक तरीके से कहना चाहिए। और GS2 specific question है, काफ़ी important question है, कई बार UPSC में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या लिखते हैं आप लोग। कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था बहुत ही प्यारा रिस्पांस आया है, आज भी मैं आपको नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई लोगों ने अटेम्प्ट किया है, बिलीव मी वेरी गुड आंसर्स। लेट मी शो यू, सी हेयर, येस्टरडे आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, 9th June क्वेश्चन वॉज देयर, दिस वॉज द क्वेश्चन। सी नियरली 45 पीपल्स हैव अटेम्प्टेड इन दैट पार्ट। सो आप देख सकते हैं ईशा गुप्ता आंसर वॉज देयर, ईशा गुप्ता ने आप कई लोगों ने हैंड रिटन भी लिखा था, तो दैट वॉज ऑल्सो गुड। रवि ठाकुर हैज रिटन द आंसर, आई थिंक आई रिव्यूड 2-3 आंसर्स, मैंने 2-3 आंसर्स रिव्यू भी किए थे। दीप्ति कुमारी का आंसर मैंने रिव्यू किया था, आई थिंक दीप्ति कुमारी का आंसर। एंड अगेन कई लोग जो पुराने लिख रहे थे, माधुरी यादव रोट द आंसर, सुधांशु मिश्रा, रूपाली गुप्ता एंड मेनी पीपल रोट द आंसर्स। एंड कीप अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस लाइक यू आर डूइंग, दैट इज़ वेरी वेरी गुड अप्रोच। सारे तो मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगा, एक या दो आंसर मैं रिव्यू कर दूंगा, लेकिन आप लोग इंटरनली रिव्यू करते रहिए एक दूसरे का आंसर। जब आप लोग इंटरनली एक दूसरे का रिव्यू करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया ऑफ हाउ टू राइट अ गुड आंसर, है ना। तो आप लोग अपना रिव्यू करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे का आंसर रिव्यू करिए। थोड़ा ज़्यादा नहीं, एक दो पॉइंट अगर हर आंसर में आप दे रहे हैं तो दैट विल इन्हांस योर अप्रोच। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ आइटम्स के साथ, देखते हैं प्रिलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स क्या क्या हैं। पहली न्यूज़ है एल सल्वाडोर हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली अडॉप्ट द बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। एल सल्वाडोर अब पहली कंट्री बन गई है जिसने कि अडॉप्ट किया है बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर। अब आपके दिमाग में पहला सवाल तो आना चाहिए कि लीगल टेंडर क्या है। तो लीगल टेंडर इज समथिंग विच इज एक्नॉलेज्ड बाय लॉ, मतलब उस कंट्री द्वारा वो एक्नॉलेज्ड होता है, उस कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा वो एक्नॉलेज्ड होता है। एंड बाय लॉ ये एक्नॉलेज क्या होता है कि जो भी चीज लीगल टेंडर के अंदर आएगी दैट कैन बी यूज्ड टू सेटल अ प्राइवेट और पब्लिक डेट
or in order to meet a fiscal responsibility which includes paying taxes, abiding by contracts and finally damages or fines. मतलब कि जो भी चीज़ legal contract होती है, legal tender होती है, sorry, जो भी चीज़ legal tender होती है वो by law, by government वो चीज़ authorized होती है कि व्यक्ति उस currency का उपयोग, उस चीज़ का उपयोग debt को पूरा करने में, यानी मतलब आपने किसी से अगर कुछ पैसे लिए हैं तो आप उसको चुकाते समय वो चीज़ देंगे और वो उसको मना नहीं कर सकता. लीगल टेंडर कैन नॉट बी, मतलब कि उसको आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं 100-100 के नोट में ही लूँगा या 50-50 के नोट में ही नहीं लूँगा, ऐसा नहीं बोल सकते. लीगल टेंडर मतलब लीगल टेंडर. अब इसमें लीगल टेंडर भी दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बहुत थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ. लीगल टेंडर आर ऑफ टू टाइप्स. पहला होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, फॉर एग्जांपल कॉइन्स हो गए. लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में कॉइन्स होते हैं. कैसे? देखो क्या होता है कि ये जो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है ये एक डेफिनेट अमाउंट तक ही आप दे सकते हैं. मतलब सपोज आपने अपने दोस्त से 100 रुपये उधार लिए, अब आपने 100 रुपये उधार लिए तो उसको आप 10-10 के 10 सिक्के दोगे तो वो ले लेगा, वो मना नहीं करेगा. बट सपोज कल को आपने किसी से 1 करोड़ रुपये उधार लिए, अब आप उसको बोलो कि मैं आपको 1 रुपये के 1 करोड़ सिक्के दूंगा तो ही कैन डिनाई दैट, वो उस चीज़ को मना कर सकता है. वो बोलेगा नहीं भाई मैं 10,000 रुपये तक तो सिक्के ले लूँगा, उसके बाद मुझे पूरे नोट चाहिए, है ना. ऑब्वियसली बात है दैट इज़ द लिमिटेड लीगल टेंडर मनी. मतलब वो एक डेफिनेट अमाउंट तक ही देना दिखता भी सही है. मतलब आपको भी बोला कि मैं 50 पैसे के 2 करोड़ सिक्के दूंगा आपको, है ना, ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज़ नॉट, यहाँ पे वो मना कर सकता है, उसके लिए ज़्यादा ये हैवोक हो जाएगा. फॉर दैट रीजन इट इज़ कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर मनी. और दूसरा टाइप होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जिसमें कि आपका पेपर नोट्स करेंसी, पेपर नोट्स एंड करेंसी आर कमिंग अंडर द अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना. एंड लीगल टेंडर इज अ मनी दैट इज रिकग्नाइज बाय द लॉ. इंडिया में जैसे कि RBI एक्ट है 1934 का, RBI एक्ट 1934 का है, जो कि सेंट्रल बैंक्स को ये रोल देता है कि वो बैंक नोट्स इशू कर सकते हैं, है ना. एंड दैट इज अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगली जो न्यूज़ है वो है मोस्ट लिवेबल सिटीज़ के रिगार्डिंग. अब देखो क्या बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये. अभी रिसेंटली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, आज का क्वेश्चन भी था प्रिलिम्स का, अगर आपने देखा हो जो मैंने पूछा था प्रिलिम्स स्पेसिफिक, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स. इसमें 140 सिटीज़ हैं, 140 सिटीज़ की रैंकिंग है, और इस बार की रैंकिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं. क्यों? क्योंकि जो भी इम्पैक्ट कोविड ने किया है, कई लिवेबल सिटीज़ जो हैं वो टॉप 10 से बाहर हो गई हैं, जो पहले लगातार 2-2 साल 3-3 साल तक टॉप 10 में थी, टॉप 1 टॉप 2 ये सब कंट्रीज़ थी, वो हट गई हैं और नई सिटीज़ जिन्होंने COVID-19 को अच्छे से हैंडल किया है वो आ गई हैं. तो ग्लोबल लिवेबल, ये याद रखें, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, और इसमें जो टॉप सिटी है वो आई है ऑकलैंड. ऑकलैंड इज़ द टॉप सिटी, न्यूजीलैंड में है. मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगा, आज का मैप भी मैंने न्यूजीलैंड इसीलिए ले लिया है, हालांकि मैंने 10-15 दिन पहले ही न्यूजीलैंड का मैप डिस्कस किया था, बट वंस अगेन वी विल सी दैट बिकॉज ऑफ ऑकलैंड. एंड ऑकलैंड हैज़ टॉप्ड द रैंकिंग ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, आप याद रखिएगा. एंड इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की वियना है, वियना 2018 में, 2019 में नंबर 1 थी. सोचिए, वियना वॉज नंबर 1 इन 2018 एंड 2019, बट नाउ इट इज़ कम्प्लीटली ड्रॉप्ड आउट ऑफ टॉप 10, ये टॉप 10 से ही बाहर हो गई, 12वें रैंक पर आ गई है वियना, जो कि रैंक 1 पे थी. तो ये दिखाता है कि COVID-19 का काफ़ी खासा इम्पैक्ट देखने को मिला है. ओसाका जो है जापान में, दैट वाज रैंक्ड 2, ओसाका इन जापान वाज रैंक्ड 2, याद रखिएगा. एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज़ की रैंकिंग अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको आपके सामने है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड की नंबर 1, ओसाका जापान नंबर 2, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया नंबर 3, वेलिंगटन न्यूजीलैंड नंबर 4, ये वेलिंगटन भी न्यूजीलैंड की ही है. देन टोक्यो इन जापान नंबर, सॉरी टोक्यो इन जापान नंबर 5, पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया नंबर 6, 7th Zurich in Switzerland, 8th Geneva Switzerland, 9th is Melbourne Australia, then 10th is Brisbane Australia. And the world's least livable cities की अगर हम बात करें, least livable cities की, तो वो है Damascus Syria, Lagos Nigeria. So याद रखिएगा, Damascus in Syria is the least livable city. कौन सी है लीस्ट लिवेबल सिटी? Damascus, Damascus in Syria, that is the least livable city. And उसके बाद Lagos in Nigeria, पोर्ट मोर्सबी इन पापा न्यूगिनी, एंड देन आपका ढाका इन बांग्लादेश,
इंडिया की कोई ऐसी नहीं है इसमें, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। कराची पाकिस्तान का ज़रूर है सेवन प्लेस पे, कराची इन पाकिस्तान, ठीक है ना। तो यहाँ पे दीज आर द रैंकिंग्स, दमस्कस याद रखिएगा लीस्ट लिवेबल सिटी है और मोस्ट लिवेबल सिटी, दोनों मैंने आपको बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज़ आइटम। तीसरी न्यूज़ में आते हैं, इंडियन नेवी सेट टू रिसीव 3 of 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। तो याद रखिएगा, ये इसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता था, MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। याद रखिएगा, MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स कहाँ से ले रहे हैं हम? ये USA से ले रहे हैं। कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, इसमें मैंने नोट्स में नहीं तो नहीं डाला है। लॉकहीड मार्टिन, दिस इज द नेम ऑफ द कंट्री, USA से हम ले रहे हैं। नाम क्या है? MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। तो कई बार पूछ लेता ना MH-60 है क्या, MH-60 रोमियो क्या है, तो ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। कहाँ से ले रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ले रहे हैं। कंपनी का नाम लॉकहीड मार्टिन, इसका नाम याद रखिएगा। एंड लास्ट न्यूज़ है आज की, प्रिलिम्स फैक्चुअल न्यूज़ आइटम, जो कि दूसरे न्यूज़पेपर से हमने हर जगह से ली है, वो है रशिया इज़ बिल्डिंग इट्स फर्स्ट नेवल शिप विच विल बी फुल्ली इक्विप्ड विद स्टील्स टेक्नोलॉजी। तो रशिया अपना पहला नेवल शिप ऐसा बना जो कि फुल्ली स्टील्स टेक्नोलॉजी से बना होगा, एंड इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसका नाम है हल ऑफ द मर्करी नेवल कॉर्वेट। याद रखिएगा, हल ऑफ द मर्करी नेवल कॉर्वेट, दिस इज द नेम एंड प्रोजेक्ट है 20386, प्रोजेक्ट 20386 हल ऑफ द मर्करी नेवल कॉर्वेट। याद रखिएगा, हल ऑफ द मर्करी नेवल कॉर्वेट, दिस इज अगेन द थिंग, एंड रशियन नेवी इसको लगभग 2022 से यूज कर सकेगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज पेपर्स एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, एक फ्रंट की भी एक न्यूज है, सेंटर अनाउंसेस हाइक इन MSP फॉर पैडी पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। याद रखेगा, सेंटर ने MSP हाइक कर दी है। अब MSP के बारे में दो तीन फैक्ट्स पहले आपको बता दूं मैं। तो MSP के बारे में देखिए, MSP इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मार्केट इंटरवेंशन है, जिसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को किसी भी प्राइस फॉल से बचाती है। प्राइस फॉल मतलब कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम हो गया, राइस का प्राइस बहुत कम हो गया, पल्सेस का प्राइस सपोज बहुत कम हो गया, तो गवर्नमेंट एक MSP फिक्स करती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। कितना भी प्राइस गिर जाए, आपको गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस पे वो चीज़ ले लेगी, आपसे प्रोक्योर कर लेगी, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग, एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है गवर्नमेंट। अप्रूवल कौन देता है इसका? CCEA, याद रखेगा, MSP का अप्रूवल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक MSP का रिकमेंडेशन और दूसरा है MSP का अप्रूवल। तो अगर आपको पूछे कि MSP का अप्रूवल कौन करता है, तो CCEA यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको कि लीड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। तो याद रखिएगा, MSP का अप्रूवल कौन करता है? CCEA यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। एंड दूसरी चीज़ है, MSP को रिकमेंड कौन करता है, तो उसका है CACP, रिकमेंडेशन MSP का CACP करता है, जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस CACP। तो रिकमेंडेशन CACP करता है, अप्रूवल CCEA करता है, ये दोनों डिफरेंस जरूर याद रखना। अब MSP जो है वो अनाउंस की जाती है 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए, और शुगर केन के लिए जो MSP आती है उसको हम FRP बोलते हैं, ठीक है ना। MSP 22 क्रॉप्स के लिए आती है, शुगर केन के लिए भी आती है, लेकिन उसको हम FRP बोलते हैं, जिसका नाम है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो अगर आपसे पूछे कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस किसके लिए दिया जाता है, तो ये शुगर केन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा कुछ आपके अलग अलग क्रॉप्स भी हैं, डीहस्ड कोकोनट, मतलब जो क्रॉप्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, डीहस्ड कोकोनट हो गया, टोरिया हो गया, इनके लिए भी दिया जाता है। लेट मी शो यू दैट, सीरियल्स में 7 सीरियल्स हैं, जिनके हैं पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, रागी एंड मेज, दीज आर द 7 सीरियल्स जिनके लिए मिलती है MSP। 5 पल्सेस आर देयर, ग्राम, अरहर या तुअर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल। देन ऑयल सीड्स आर देयर, ग्राउंड नट, रेप सीड जिसको मस्टर्ड भी कहते हैं, टोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसमम, सफ्लार सीड्स एंड नाइजर सीड, रॉ कॉटन, रॉ जूट के लिए भी दी जाती है एक मिनिमम, रॉ कॉटन के लिए भी, रॉ जूट के लिए भी, कोपरा के लिए दिया जाता है, डीहस्ड कोकोनट के लिए दिया जाता है, एंड शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस मैंने आपको बताया है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जिनके लिए MSP मिलता है, लेकिन आपको याद रखना है कि 22 क्रॉप्स प्लस
एक आपका FRP शुगर केन के लिए, इसके अलावा ये टोरिया और आप कह सकते हैं डी हस्ड कोकोनट, ये अलग से इनको मिलता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मैंने आपको डिफरेंशिएट बता दिया अप्रूवल और इसको रिकमेंडेशन में, तो वो ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। मैप ऑफ द डे में आते हैं, देखते हैं न्यूजीलैंड का मैप है यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। वैसे फिजिकल फीचर्स में न्यूजीलैंड में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको तस्मानसी पहले मिलेगा, फिर न्यूजीलैंड मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे तस्मानसी, फिर यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन मिलेगा। तो तस्मानसी ऊपर मिलेगा, साउथ पैसिफिक ओशन नीचे मिलेगा। यहाँ का बीच में न्यूजीलैंड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सदर्न एल्प्स, जिसको बोलते हैं सदर्न एल्प्स, याद रखिएगा। एल्प्स वैसे अगर आप देखेंगे तो यूरोप में आपको दिखता है ना, यूरोप वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ पे एक सदर्न एल्प्स भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि सदर्न एल्प्स कहाँ पर है, तो वो न्यूजीलैंड में सिचुएटेड है। न्यूजीलैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, देखो एक ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ आइलैंड कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्थ आइलैंड, एंड नीचे वाला पार्ट कहलाता है साउथ आइलैंड। याद रखिएगा ऊपर नदन नॉर्थ आइलैंड आप ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूजीलैंड के, साउथ आइलैंड नीचे वाले पार्ट को, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जगह, जैसे कि यहाँ पर आज जो मैंने रैंकिंग बताई ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स में, उसमें दो सिटीज मैंने हमने टॉप 10 में देखी न्यूजीलैंड की, एक तो ये ऑकलैंड है, दिस इज द ऑकलैंड। तो कुल मिलाकर के नदन आइलैंड वाले पार्ट में ऑकलैंड भी है और वेलिंगटन भी है, लेकिन वेलिंगटन नदन के बिल्कुल साउथ वाले पार्ट में, नदन वाले आइलैंड के बिल्कुल सबसे नीचे आपका वेलिंगटन है और ऊपर वाले साइड पे आपका यहां पे ऑकलैंड लोकेटेड है। तो ये देखो दोनों सिटीज आपको दिख रही होगी, दिस इज द पार्ट, है ना, ये ऑकलैंड है और ये फिर फाइनली वेलिंगटन है आपकी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सिटी, जैसे कि बीच में हैमिल्टन आती है, सपोज नॉर्थ टू साउथ आपको बोल दिया, ऑकलैंड हैमिल्टन और वेलिंगटन को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो ऑकलैंड सबसे नॉर्थ मोस्ट हो जाएगा, हैमिल्टन हो जाएगा, देन उसके बाद सबसे नीचे आपका वेलिंगटन हो जाएगा। तो ये थोड़ा याद रखना, AHW याद रखना, क्योंकि हैमिल्टन इंपॉर्टेंट है, ऑकलैंड इंपॉर्टेंट है, वेलिंगटन इंपॉर्टेंट है। फिर एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, क्राइस्ट चर्च भी इंपॉर्टेंट है, क्राइस्ट चर्च भी इंपॉर्टेंट है और वो नीचे है, और नीचे है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर नॉर्थ आइलैंड जो है और साउथ आइलैंड जो है आपका न्यूजीलैंड का, उसको डिवाइड करता है कुक स्ट्रेट, उसको ज्वाइन कौन करता है, कुक स्ट्रेट। तो कुक स्ट्रेट भी याद रखना कि कुक स्ट्रेट नॉर्थ आइलैंड को और साउथ आइलैंड को ज्वाइन करता है, कुक स्ट्रेट इसका नाम याद रखना, ठीक है ना। उसके नीचे आपको यहाँ पे पेगासस बे दिख रहा होगा, पेगासस बे, तो अगर आपसे कोई पूछे पेगासस बे कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं इजिली कि न्यूजीलैंड वाले पार्ट में। फिर हॉकाई बे भी यहाँ पे, ठीक है ना, हॉकाई बे, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन दिस मैप, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कई बार देखेंगे अपन, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आज जितना समझ में आ जाएगा। दो चीज़ें और याद रखिएगा, यहाँ पे हुआराकी गल्फ और यहाँ पे बे ऑफ प्लेंटी, इस वाले पार्ट में हुआराकी गल्फ एंड बे ऑफ प्लेंटी एंड ग्रेट बैरियर आइलैंड, ये तीन चीज़ें और याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लीजिए, जितना याद हो जाए याद रखिएगा, बाद में फिर रिवाइज होगा, फिर आपको बनेगा, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं, पहला जो एडिटोरियल है वो है द प्रॉमिस एंड पेरल्स ऑफ डिजिटल जस्टिस डिलीवरी। अब इस आर्टिकल में ऑथर ने बोला कि किस तरीके से जुडिशरी जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, बट वो डिजिटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं सर्विलेंस को लीड करेगा और एक और स्टीरियोटाइप को लीड करेगा। तो ये हम देखते हैं क्या ऑथर कहना चाहता है। सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि इंडिया में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो 3.27 करोड़ केसेज है, 3.27 करोड़ केसेज आर पेंडिंग इंडियन कोर्ट्स के सामने, आउट ऑफ विच 85,000 केसेस आर पेंडिंग फॉर ओवर 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा पेंडिंग हो गए हैं 85,000 केसेस। नाउ कैन टेक्नोलॉजी ब्रिंग रिवोल्यूशन इन दिस, क्या टेक्नोलॉजी इसमें अपना रोल प्ले कर सकती है? तो ऑथर का कहना है हाँ भी और नहीं भी, ठीक है ना, दोनों चीज़ें, मतलब टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनाइज तो कर सकती है, बट उसका यूज़ जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, उसका यूज़ इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अनलिमिटेड एक्सेस दे दी जाए टेक्नोलॉजी को, अनलिमिटेड सर्विलेंस किया जाए टेक्नोलॉजी से, अदरवाइज दैट वुड बैकफायर। तो ये ऑथर ने कहा है। अब टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा यूज़ है कोर्ट्स में वो हो रहा है ई कोर्ट्स के अंतर्गत, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। ई कोर्ट्स जो है वो 3 फेजेस में रिलीज हुआ, ठीक है ना, Phase 1, Phase 2 और अब बारी है Phase 3 की। Phase 1 and Phase 2 जो था वो डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड है, जुडिशरी का डिजिटाइजेशन, मतलब कि ई फाइलिंग, जो केस फाइल होता है ये सब चीज़ें उनकी डिजिटल फाइलिंग की जाए, ट्रैकिंग द केसेस ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ केसेस, अपलोडिंग जजमेंट्स ऑनलाइन, है ना, केस नंबर, जैसे अभी आप अगर आप हाई कोर्ट की वेबसाइट खोलो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा केस चल रहा है, कौन से केस में सुनवाई हो रही है आज, है ना, आपके केस का नंबर कब है, उसकी हियरिंग कब है। तो ये सारी चीज़ें ई कोर्ट्स के अंतर्गत ही हो पाई हैं, ई कोर्ट्स के कारण ही पॉसिबल हो पाई है, ठीक है ना, दिस आर द थिंग।
ऑथर ने कहा कि इसके बाद अब पैंडेमिक के बाद तो डिजिटाइजेशन का और ज़्यादा यूज़ देखने को मिला है, हम काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब तो फिजिकल जो टच है उसको कम से कम करना है, दैट इज़ द थिंग, इसको कम से कम करना है, तो ये और ज़्यादा यूजफुल रहेगा, है ना। एंड ई कोर्ट्स का जो काफ़ी अच्छा मॉनिटरिंग हो पाया, दैट वॉज अगेन सुप्रीम थिंग, काफ़ी अच्छी चीज़ थी। नाउ फेज थ्री जो आ रहा है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का, इट हैज़ रीच्ड द स्टेज इन द ट्रिलॉजी वेयर द फ्रेंचाइजी स्टार्ट्स ट्राइंग टू डू मच एंड गोज ऑफ द ट्रैम लाइन। अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि फेज थ्री जो है ई कोर्ट्स का, उसमें थोड़ा गाड़ी जो है वो रास्ते से भटक गई है, दैट हैज़ मूव्ड वे अहेड जितना इसको जाना चाहिए था। नाउ कोर्ट प्रोसेस को डिजिटाइज करते करते अब क्या कर रहे हैं ये लोग बेसिकली, कि एक्सेस दे रहे हैं सबको, लॉयर्स को, लिटिगेंट्स को एक्सेस दे रहे हैं, प्लस सारे जो पिलर्स हैं वो इंटरऑपरेबली काम कर रहे हैं, मतलब कि कोर्ट्स का डेटा पुलिस यूज़ कर सकती है, पुलिस का डेटा कोर्ट्स यूज़ कर सकती हैं, कोर्ट्स का डेटा प्रिजन यूज़ कर सकता है, प्रिजन का डेटा कोर्ट्स यूज़ कर सकता है। ऑथर का कहना है कि ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द ICJS, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखो मैं ऑथर के इस आर्टिकल से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग इन द प्रोजेक्ट, काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया है ICJS में, एंड आई नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से, अगर आप मेरा व्यू पॉइंट पूछेंगे तो ICJS इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट, जो कि मैनुअल काम को बहुत ज़्यादा कम कर देगा एंड बहुत ईजिली आप ट्रैक कर सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन, क्योंकि डेटा हर संस्था के पास, एवरी पिलर हैज़ सम डेटा, बट वन पिलर ट्रांसफर्स द डेटा टू अनदर, दिस इज़ हाउ द जो वर्कलोड है वो शेयर हो पाएगा। बट ऑथर बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि इट इज़ लुकिंग टूवर्ड्स द ICJS प्रोजेक्ट विद एक्सट्रीम निगेटिविटी, आई थिंक दैट मेरे हिसाब से वही है, लेकिन बट ठीक है, ऑथर आर्टिकल में लिखा है तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा। तो ऑथर के अकॉर्डिंग ICJS विल एक्सेसरबेट द एग्जिस्टिंग क्लास एंड कास्ट इनइक्वालिटीज। तो ऑथर के अकॉर्डिंग ICJS के कारण जो कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लोकल पुलिस स्टेशन जगह, देखो क्या है, केस कोई भी हो वो उसका ऑनलाइन एंट्री आप करोगे। अब कई केस ऐसे हैं जो कि ट्राइब्स एक्ट के रिगार्डिंग है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 के कारण है, जिसमें कई कम्युनिटीज़ को हैबिचुअल ऑफेंडर्स घोषित किया गया है, कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हैबिचुअल ऑफेंडर्स घोषित किया गया है। एक बार अगर उनका डेटा डिजिटाइज हो गया तो हमेशा के लिए वो क्रिमिनल हो गए, है ना, ऑब्वियस सी बात है। एक बार अगर उनका डेटा ऑनलाइन क्लाउड में चला गया, तो सर्वर में चला गया, तो हमेशा के लिए वो डिजिटाइज हो गए। तो ऑथर क्या कहना ये है कि ये जो है कास्ट, इससे कई बार क्या होगा कि डेटा बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि एक पर्टिकुलर ट्राइब के लोग, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो इससे क्या होगा बेसिकली कि इससे स्टीरियोटाइप बढ़ेगा एंड दैट विल क्रिएट अ स्टिग्मा अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड ट्राइब, देयरफॉर इट विल इंक्रीज द कास्ट इनइक्वालिटीज, इससे कास्ट इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी। दूसरा ऑथर का ये कहना है कि कोर्ट्स प्रोजेक्ट का, कोर्ट का डेटा होम मिनिस्ट्री क्यों यूज़ करे, क्योंकि देखो ICJS ओवरऑल जो देखा जाएगा ICJS ओवरऑल होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। और ऑथर का ये कहना है कि होम मिनिस्ट्री क्यों नॉन क्रिमिनल डेटा चाहती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, कोर्ट्स के अंदर सिर्फ क्रिमिनल केसेस तो आते नहीं हैं, कोर्ट्स के अंदर सिविल केसेस भी आते हैं जिसमें कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, बट ICJS के कारण क्या होगा कि वो व्यक्ति होम मिनिस्ट्री के अंदर निगाह में आ जाएगा, चाहे वो सिविलियन केस में हो चाहे वो क्रिमिनल केस में हो। तो क्रिमिनल केस वाला चलो एक बार आना भी चाहिए, लेकिन सिविल केस वाला व्यक्ति क्यों होम मिनिस्ट्री के राडार में आए या क्यों सर्विलांस के अंदर आए, जबकि उसका केस सिविल केस है, दैट इज़ नॉट अ क्रिमिनल केस एज वेल, है ना। तो यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली कि दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। एंड जो फेज थ्री है, जो डिजिटाइजेशन है, वो 360 डिग्री प्रोफाइलिंग करने लगते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ऑथर का कहना है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ भी लिमिटेड होना चाहिए। अब आप 360 डिग्री प्रोफाइलिंग करेंगे, जिसमें जो व्यक्ति रहेगा उसका फेसबुक से लेकर के, ट्विटर से लेकर के हर चीज़ आप देखेंगे, छान मारेंगे उसके डेटा को डिजिटाइज करने के लिए, सो दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग, दैट क्रॉसेज द लाइन जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को आप इन्फ्रिंज करना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ ऑथर ने कही है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ बिल्कुल करें, बेशक करें, बट लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी देयर, है ना। मैं किस पार्ट से एग्री नहीं कर रहा था, मैं ICJS वाले पार्ट से एग्री नहीं कर रहा था, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, है ना, क्योंकि सिंस आई हैव वर्क्ड इन दैट प्रोजेक्ट, आई हैव वर्क्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, एंड बिल्कुल मध्य प्रदेश में भी ये स्टार्ट होने ही वाला है, सो एक्चुअली दैट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि टेक्नोलॉजी कमेटी मस्ट प्रिवेंट द सीमलेस एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द स्टेट
एंड ऑट टू रिमेन सेपरेट। यहाँ पर ऑथर ने कहा है, फाइनली अपना आर्ग्यूमेंट ये दिया है कि इन सारी चीज़ों को अगर आपको रोकना है तो आप ये जो डेटा ट्रांसमिशन है एक पिलर से दूसरे पिलर तक, इसको रोकने की कोशिश करिए। दिस इज वॉट द ऑथर इज सेइंग। दूसरा आर्टिकल है साउथ एशियाज हेल्थ केयर बर्डन। अब ये आर्टिकल हम देखेंगे। अब साउथ एशिया का हेल्थ केयर बर्डन के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, मतलब कि सिर्फ इंडिया की बात नहीं होगी, साउथ एशियन नेशंस में बांग्लादेश की भी बात होगी और पाकिस्तान की भी बात होगी, ठीक है ना। तो ऑथर का ये कहना है कि अगर हमने देखा कोविड केस में सबसे ज़्यादा जो डेथ के केस आए एक दिन में वो आए इंडिया से, इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी बहुत पीछे नहीं थे, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका हमको देखना स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिला कितने ज़्यादा केसेस वहाँ पे भी आ रहे हैं। इनके रीजंस अगर हम देखें तो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स थे कुछ जो हुए, फिर यहाँ का हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी फ्रेजाइल, सिटीजन्स आर नॉट फॉलोइंग द हेल्थ प्रोटोकॉल्स, तीसरा रीजन है कि सिटीजन्स हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन ही नहीं कर रहे थे, एंड चौथा है लॉजिस्टिकल मिसमैनेजमेंट जिसमें कि आपका हॉस्पिटल बेडिंग ये सब चीज़ें भी आ जाएगा, प्लस आपका वैक्सीनेशन एंड ऑल ये सब भी आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो रीज़न ऑथर बोलता है वो ये है कि इन रीजन्स का, जैसे ये साउथ एशियन कंट्रीज है गई यहाँ पे, इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है दैट इज़ वेरी सब पार हेल्थ केयर सिस्टम है, ना इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर किया है, ना गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है रिगार्डिंग द हेल्थ केयर। अगर आप देखें तो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में मतलब डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा रखा है इन कंट्रीज़ ने, और हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर केवल 1% ऑफ जीडीपी तक लिमिटेड रखा हुआ है। अगर हम देखें तो जो डॉक्टर्स की कंडीशन है 0.08 डॉक्टर्स पर 1000 पॉपुलेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, WHO बोलता है कि एक डॉक्टर पर 1000 होना चाहिए पॉपुलेशन, इंडिया में बिल्कुल वाला 0.08 डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा ओनली हाफ अ बेड इज अवेलेबल फॉर एवरी 1000 पीपल इन इंडिया, केवल आधा बेड अवेलेबल है 1000 की जनसंख्या के लिए। तो ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा डिफिशियंसी है इन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में भी कमी है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कमी नहीं है, वहाँ पे जैसे बेड टू पेशेंट रेशियो 0.8 एंड 0.6 है, मतलब कि 1000 पॉपुलेशन में बांग्लादेश में 0.8 बेड है और पाकिस्तान में 0.6 बेड है ना। प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी जेब से जाने वाला पैसा भी इंडिया में ज़्यादा जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों कंट्रीज़ में ज़्यादा जाता है। इंडिया में अगर जाता है 62.67 तो बांग्लादेश में जाता है 73%, तो पाकिस्तान में जाता है 56.24%। तो कुल मिलाकर के जो हेल्थ केयर का स्टेट है इंडिया, पाकिस्तान, ये साउथ एशियन नेशंस में बहुत ज़्यादा पुअर है। इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए, डॉक्टर्स का रेशियो कम है, बेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है। ऑथर ने वही बोला कि कोविड के टाइम में भी बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट को 12% इंक्रीज़ किया, वहीं हेल्थ बजट को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया जितना उन्होंने डिफेंस को किया है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ दिखाती कि आपकी प्रियोरिटी क्या है, आपकी मेजर प्रायोरिटी क्या है। तो अगर ऑथर ने कहा कि अगर हम साउथ एशिया की मेजर 3 कंट्रीज देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को, तो उनका जो ध्यान ज्यादा है वो मतलब टुवर्ड्स डिफेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा है रादर देन पब्लिक हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर वहां पे बैक सीट ले लेता है। तो यहीं इन चीज को सुधारने की जरूरत है, तभी हम जो हेल्थ केयर के डिफॉर्मिटीज हैं या हेल्थ केयर की जितनी कमियां हैं उनको पूरा कर पाएंगे। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं और जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। पक्की टाइगर रिजर्व्स कंटिजेंसी वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक। तो यहाँ पे पक्की टाइगर रिजर्व पहली चीज कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, इसकी लोकेशन याद रखेगा। अब न्यूज में क्यों है, बिकॉज 200 कंटिजेंसी वर्कर्स जो है पक्की टाइगर रिजर्व के अरुणाचल प्रदेश में, वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। क्यों, क्योंकि 2020 दिसंबर से उनकी जो वेजेस हैं अभी तक पेमेंट नहीं की गई है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस सिंस दिसंबर 2020 पक्की टाइगर रिजर्व के जो कंटिजेंसी वर्कर्स हैं अरुणाचल प्रदेश में है ये पक्की टाइगर रिजर्व, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नो डिसीजन येट ऑन इंडियन कॉन्सुलेट इन अड्डू अटोल। अब ये मालदीवियन अटोल है, याद रखिएगा, मालदीवियन कोरल अटोल है अड्डू अटोल, और वहाँ पे इंडिया जो है कॉन्सुलेट खोलना चाहता है, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने इब्राहिम मोहम्मद सॉलिह जो मालदीवियन प्रेसिडेंट है उनसे रिक्वेस्ट की है। अब वहाँ पे इसके खिलाफ काफ़ी लोगों ने मालदीव्स की जो पॉपुलेशन है उसने हैशटैग इंडिया आउट करके कैंपेन चलाया हुआ है, बट प्रेसिडेंट वांट्स टू गिव द कॉन्सुलेट लोकेशन टू इंडिया। लेट्स सी किस तरीके से मूव होती है चीज़, लेकिन याद रखिएगा अड्डू अटोल कहाँ पर है, मालदीवियन अटोल है, वहाँ पे इंडिया अपना कॉन्सुलेट खोलना चाहता है, जिसके रिगार्डिंग अभी परमिशन नहीं हुई है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा,
एर्डोगन टू विजिट करबाख रीजन वॉन बाय अजरबैजान। अभी लास्ट ईयर अभी एक लड़ाई चल रही थी, अगर पता होगा पिछले 5-6 महीने मैंने न्यूज़ में बताया है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में रिगार्डिंग द नगोर्नो काराबाख रीजन। अब इसमें अजरबैजान की मदद की थी टर्की ने, और इसकी मदद से टर्की ने वो रीजन जीत भी लिया, जो सॉरी अजरबैजान ने वो रीजन जीत भी लिया है नगोर्नो काराबाख का। और इसीलिए अब जो टर्किश प्रेसिडेंट है वो उन्होंने बोला कि हम अजरबैजान को जाएंगे और जाकर के बधाई देंगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो दैट इज इट फ्रॉम द डे। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आज्ड। जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो एक पहला क्वेश्चन तो मैंने पूछा था ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, खुद ही मैंने बता दिया था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। दूसरा सवाल था कौन से केसेस करेक्टली मैच्ड हैं, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड जो है वो इंटरचेंज कर दिया गया, मतलब वो सही नहीं है। गोलकनाथ केस था एक्चुअली में, वो बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स अमेनेबल नहीं है। और केशवानंद भारती केस जो था वो बेसिक स्ट्रक्चर का केस था, तो उसका आंसर होगा 1 और 4, सी विल बी द आंसर। त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स मैंने पूछा था, तो ये महाराष्ट्र में है। नासिक पांडोलेनी केव्स मैंने उस दिन आपको बताया था, पांडोलेनी केव्स भी कहते हैं, सो दैट विल बी द आंसर फॉर दैट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.